हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी मेंस रिजल्ट के बारे में। ये देखिए नीचे दिया हुआ है प्रभात खबर डिजिटल में। प्रभात खबर में क्या दिया गया था आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए दिया हुआ है कि बिहार एसएससी इंटर फर्स्ट लेवल रिजल्ट डेट, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। 13,000 से अधिक को मिलेगी नौकरी, मतलब वो तो 13,000 से अधिक सीट था, वो तो नौकरी उतना मिलना ही है। देखिए आगे चलते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है। देखिए लिखा गया है कि बिहार एसएससी इंटर फर्स्ट लेवल रिजल्ट डेट बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रथम इंटरस्तरीय मुख्य परीक्षा रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट है। इस परीक्षा के लिए आवेदक 2014 में ही किए गए थे, लेकिन अभी भी इसकी प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। 13,200 पदों के लिए दिसंबर 2020 में आयोजित परीक्षा में 50,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, उसमें से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल थे। चलिए और क्या दिया गया इधर कि अब बताया जा रहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम, मतलब मेंस बिहार से जो मेंस का रिजल्ट का परिणाम आज या कल कभी भी आ सकता है। मतलब आज अगर नहीं दिया रात रात तक तो कल आने की ज़्यादा चांस। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि आज या कल कभी भी आ सकता है। पद के लगभग 3 गुना से अधिक परिणाम जारी किए जाएंगे, मतलब जितना पद है 13,000 से 13,200 है 1,220, उससे 3 गुना अधिक परिणाम जारी किए जाएंगे। बिहार एसएससी के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, असुलेखन परीक्षा एवं अन्य जाँच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दिया गया कि परीक्षा घोषित होने के बाद शेष रह गई सही प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी अपने दस्तावेज संबंधित अन्य सभी तैयारियां पहले से ही कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द मिले, इसलिए बिहार से साइट पर आपको रूप से ये वेबसाइट पर चेक करते रहना है। यही दिया गया है कि आज रात रात तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो कल जरूर आ जाएगा। ये प्रभात खबर में दिया गया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।